नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं छोटी बूटी का एक बेहद खूबसूरत डिजाइन लाई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और बनने के बाद बेहद खूबसूरत लगता है। इसे बनाने के लिए हमें इवन नंबर में कितने भी फंदे चाहिए, तो मैंने 12 फंदे डाल लिए हैं। बॉर्डर बनाने के बाद ये डिजाइन का पहला लाइन है और सामने से, तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे या सीधा बुन लेंगे। अब हम ऐसे ऊन को पकड़ेंगे, अंगूठे को इसके नीचे लगाएंगे और दोनों सिरे को देखिए ये सिलाई के अंदर आ गया है, एक लूप की तरह बनाएंगे और देखिए दोनों सिरे सिलाई के अंदर आ गए। तो अब हम दो फंदों को उल्टा बुनेंगे और ऐसे खींच के देखेंगे, जो सिरा ऐसे खींचने पे खींचता ना हो, देखिए इस साइड में करने पे ये खींच रहा है, यानी इधर से हमें नहीं बुनना है, तो जो सिरा खींचने पे ना खींचता उससे हम दो फंदे उल्टा बनाएंगे, एक दो, और फिर इसे ऐसे खींच लेंगे। अब दो फंदे सीधे, एक दो, तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं चार फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है, लूप बनाना है और इसके दोनों सिरे को ऐसे सिलाई के अंदर कर लेना है। फिर अगले दो फंदों को जिधर से ऐसे खींचने पे ना खींचता हो उधर से दो फंदे उल्टा बना लेना है, खींच देंगे। नेक्स्ट दो फंदे सीधे, फिर लूप बनाएंगे सिलाई के अंदर, ऐसे दोनों सिरे को सिलाई के अंदर ऐसे कर लेंगे। फिर अगले दो फंदे उल्टे, धागे को खींच लेंगे और लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम सीधा बुन लेंगे। अब रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे बुन लेंगे, हर रॉन्ग साइड में हमें सभी फंदे उल्टे ही बुनने हैं। दूसरी लाइन में हमने सभी फंदे उल्टे बुन लिए। और अब ये डिजाइन का तीसरा लाइन है और सामने से, तो पहला फंदा स्लिप करेंगे, दो फंदा सीधा बुनेंगे, जिस दो फंदे पे हमने डिजाइन बनाया था उसे सीधा बुनेंगे। अब सिलाई के नीचे ऐसे अंगूठे को लगाएंगे और एक लूप सिलाई के अंदर ऐसे ले लेंगे, देखिए दोनों सिरे हमें हमारे सिलाई के अंदर हैं। अब ना खींचने वाले ऐसे खींच के देखेंगे, जिधर से ये खींचने पे ना खींचता हो उधर से हम दो फंदे उल्टा बुनेंगे और अब जो दूसरा सिरा है उसको ऐसे पकड़ के खींच लेंगे। अगले दो फंदे सीधे, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जिस पर हमने डिजाइन बनाया था वहां पे हमें सीधा बुनना है। अब ये देखिए यहाँ पे हमने सीधा बुना था पिछली लाइन में, यानी पहली लाइन में हमने यहाँ पे सीधा बुना था, तो तीसरी लाइन पे यहाँ पे डिजाइन बनेगा, लूप की तरह ऐसे लेंगे, अगले दो फंदे उल्टे बुनेंगे, दूसरे सिरे को खींच लेंगे। अब लास्ट में तीन फंदा बचा है तो इसे हम सीधा बुनेंगे। तो इस तरह हमारा ये तीसरा लाइन कंप्लीट होता है। अब रॉन्ग साइड में सभी फंदे उल्टे, तो इन्हीं चारों लाइनों को हमें ऊपर ऊपर दोहराते रहना है और देखिए एक खूबसूरत सा पैटर्न बनता चला जाएगा। छोटी बूटी का एक खूबसूरत सा पैटर्न बनाना आसान, और देखिए कितना सुंदर है। सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है, और पीछे से ऐसा। आशा है आपको डिजाइन पसंद आया होगा। यदि आपको डिजाइन अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।